So guys, beauty is on in Srinagar at Lal Chowk, and देख लो guys कितने लोग यहाँ पे हैं अभी. रात का अभी 7:20 हो रहा है. एंड दिस इज द ब्यूटी गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे, लोगों से बात करके पता करेगा. तो दिस इज द गाइस लाल चौक लुक्स इन द नाइट एंड इट इज फैंटास्टिक व्यू गाइस. ओ माय गॉड, दिस इज द प्लेस मैन, दिस इज द प्लेस मैन. बॉम्बे, बॉम्बे से हैं आप लोग? या बॉम्बे. ए यू आर इन ग्रुप? या वी आर इन ग्रुप एक्चुअली. ओ वाओ, बड़ी नाइस. तो कम है और बाहर गए हैं? और ग्रुप है, बाहर गए हैं. है, हाउ मेनी मेंबर्स यू आर? 14 मेंबर्स. तो गाइस, ये जो ऑडियंस थी बॉम्बे से आ रखी थी, लाल चौक का एक्सपीरियंस कर रहा है लोग. और वही है गाइस, मज़ा आ गया गाइस यहाँ पे लोग गाइस, पूरा व्यू काफ़ी खतरनाक व्यू आ रहा है गाइस यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं. ओ माय गॉड, दिस इज द फैंटास्टिक थिंग टू बी. नोटो जो झंडा देख रहे हो ना, दैट फ्लैग इज हैज इम्पोर्टेंस ऑफ जैन के. अगर उस लाल चौक पे आपका फ्लैग लहरा रहा है, इसका मतलब इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिया. तो लाल चौक इज फैंटास्टिक. और रुकना है, भागेगा. कैट है खरगोश है? हाँ कैट. कैट है? दोनों कैट. तो दोनों को डाल दोगे इसमें? हाँ. बैठो 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 बैठो, देखा देखा छुआ इस वजह से छुआ भूल जा, वायरल है भाई. कहाँ से छुआ? Yes guys, we are on Papa Sorry YouTube channel and अभी एक सर जी से बात करेंगे and we are in लाल चौक. तो सर, आप कहाँ से हो सर? आपका नाम बताइए पहले. मेरा नाम बाहुबली पटेल. अच्छा, तो सर हम गुजराती है. अच्छा, और हम लोग आ रहे हैं बम्बई से. बम्बई से आ रहे हैं? बम्बई से आ रहे हैं. अच्छा, मतलब आप लोग बम्बई में बिजनेस करते हो? हम लोग बम्बई में बिजनेस करते हैं. अच्छा अच्छा, और 10 दिन का टूर पे आए हुए हैं. जिनके का? हाँ, जिनके का. तो सर, आप कब निकले थे मतलब बम्बई से? कल सुबह निकले हुए 6 बजे. अच्छा अच्छा. हाँ, आज लाल चौक पे बैठे अभी. हाँ अभी, और हमको देख के बहुत आनंद हुआ यहाँ पे. हाँ, यहाँ चमन शांति ये होने से इतना आनंद है कि बात मत करो. है ना सर, मतलब टूरिस्ट लोगों को कोई यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस और मतलब दिक्कत का सामना नहीं करा? कोई दिक्कत सामना नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो सर, आप ये जो इंडिया के जो कश्मीर से बाहर लोग इंडियन रहते हैं, उनको आप सजेस्ट करना चाहोगे कि एक बार अपने लाइफ में जैन के विजिट करो? 100%. 100% करो? 100%. हम तो हर आदमी को बोलते हैं भाई, आओ कश्मीर घूमो, हिंदुस्तान घूमो. है ना सर, हिंदुस्तान में घूमने लायक है वो तो दुनिया में नहीं कहीं. है ना सर? हाँ सही, मतलब जन्नत जो इसका नाम पड़ा है तो सर गलत नहीं है. गलत सही बात है सर. हाँ सर, आप लोग का कैसे प्लान बन गया सर, 14 लोग का, 14 मेंबर का ग्रुप कैसे बन गया मतलब ट्रैवलिंग के लिए? हम लोग क्या है, सर सब लोग ग्रुप में जाते हैं, तो ये साल हमने जैन के जम्मू एंड कश्मीर का हाँ चॉइस किया कि भाई चलो अभी जम्मू एंड कश्मीर घूम गया है और क्या है क्या नहीं है वो हिसाब से हम लोग किधर आए. सर, आप लोग मतलब फैमिली मेंबर हो कि मतलब को सब एक दूसरे रिश्तेदार है? फ्रेंड सर्कल है. पहले हम लोग को डर लग रहा था कि भाई कैसा होगा नहीं होगा क्या, लेकिन यहाँ आके हमको बहुत शांति हुआ. तो सर, फियर के बारे में बताइए कि आप लोग को क्यों, आपको क्यों डर लग रहा था आने से कश्मीर? डर लग, हम लोग ये टीवी में देखते थे और पेपर पढ़ते थे भाई, इतना फायरिंग हुआ, इतना ये हुआ. अब याद कुछ नहीं है. आज हमें लाल चौक पे बैठे हैं आराम से, शांति से. अच्छा अच्छा, तो सर मतलब आप लोग का एक्सपीरियंस सही रहा? हाँ बहुत बढ़िया. Yes guys, we are talking to another traveler in JNK. So ma'am, आपका नाम क्या होगा? भावना सिंह. मतलब आपका घर अहमदाबाद से कितना? 2000 किलोमीटर. हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं. हाँ, टूर के बारे में कब सोचे थे आप लोग की हम लोग इसे? बैठे बैठे बातें हुई आप लोग का, सब लोग साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठ के बातें किया और सब रेडी हो गए बोले कि चलेंगे. एक ग्रुप में आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोग कभी सिंगल भी ट्रैवल किए मतलब हस्बैंड वाइफ? कोई कपल में ही जाते हैं, ऐसे कोई टूर में नहीं गए हम, अभी 2-3 साल से जाते हैं सब साथ में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो केरला जाके आए, केरला फिर घूम के आए. अच्छा अच्छा, हम दोनों अभी भूटान घूम के आए. भूटान भी है? भूटान बैठा है. भूटान कौन से ईयर में गए थे?
मुंबई की टूर में से। अच्छा अच्छा तो मैम मुझे आप ये बताओ कि आप इतना ट्रैवलिंग करते रहते हो इंडिया में, तो बाकी जगह के हिसाब से जे एन के कितना डिफरेंट लगा आपको? ट्रैवलिंग के हिसाब से ज्यादा फोर्सेस है क्या यहाँ पे? सिक्योरिटी फूड अच्छा है यहाँ पे, यहाँ का फूड अच्छा। तो नॉनवेज फूड या वेज फूड? नहीं वेज फूड। वेज फूड सब सब प्योर जैन है। अच्छा वैसे ही ओके ओके। ऑनियन प्याज कुछ नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, आलू भी नहीं खाएंगे, फ्लावर गोभी भी नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत मशरूम ना हो तो अलग बात है। मैम थोड़ा सा जैन के तो नॉनवेज के लिए ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पे आप लोगों को खाने को लेकर स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता? नहीं हमारी टूर है ना, हिना टूर में आए हम लोग। अच्छा अच्छा, ट्रेवल एजेंट के थ्रू आया? हिना टूर में आए तो उन लोग ने सब अरेंज किया है। यस गाइस, हम लोग एक और ट्रैवलर मिल चुके हैं जे एन के में, उनसे ही हम लोग बात करने वाले हैं अभी, उनका एक्सपीरियंसेस कैसा है यहाँ का जे एन के का। तो सर व्हाट्स योर नेम सर? प्रवीण मेहता। प्रवीण मेहता, प्रवीण मेहता। यस सर। तो सर सर बॉम्बे तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइस हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैवलर लोग तुरंत मिंगल हो जाते हैं कि कौन कहाँ से आए, इतने में दोस्ती हो जाती है और काफी ट्रैवलिंग और अच्छा सा हो जाता है यहाँ पे। तो सर प्रवीण सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आप क्या करते हैं? सर मैं भी रिटायर हूँ। यू आर रिटायर्ड फ्रॉम विच सर्विस सर? केमिकल कंपनी। केमिकल कंपनी, ओके ओके। तो सर इन विच एरिया ऑफ रिटायर, कौन से साल आप रिटायर हुए? तीन साल पहले। एज के हिसाब से? तो सर मैं जैसे आपसे जानना चाहूंगा सर, कि आप इतने इतना लाइफ आपने जी लिया राइट, तो सर आप अपनी लाइफ की लर्निंग से जो यंगस्टर है इंडिया का, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे अबाउट ट्रैवलिंग? कि मतलब कि वो लोग को ट्रैवलिंग करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो सर घूमने का क्या फायदा है? फायदा कुछ नया नया चीज देखने को मिलता है, एक न एक ही जगह रहने का क्या मिलेगा देखने को? तो कश्मीर में स्टैग्नेट हो जाता बंदा एक जगह, तो मतलब प्लेसेस चेंज करने से, एक्सपीरियंसेस करने से। हाँ चेंज करना चाहिए, मतलब वो तो अभी अभी यंगस्टर का तो लाइफ ऐसा ही रहता है, दे आर बिजी डूइंग जॉब में। तो सर जॉब में से भी थोड़ा टाइम निकाल के घूमना चाहिए। हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद आप लोग मतलब प्लान कर रखा है आपकी आफ्टर रिटायरमेंट वी विल ट्रैवल? नहीं नहीं, लेकिन हम लोग का शौक है घूमने का। घूमने का शौक है राइट। तो सर आप कैसे आए यहाँ पे सर? एनी एजेंट यू हैव बुक्ड? ट्रैवल एजेंट यू हैव बुक्ड राइट। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया ट्रैवल एजेंट के, मतलब वो आपके एरिया में ही ट्रैवल एजेंट है? यहाँ पे काटकोपर में रहता है, वहाँ पर वहीं पे है ट्रैवल एजेंट, तो उनसे आपने बात किया राइट? बात की जे एन के जाना है हम लोग को। तो सर आप लोग जे एन के, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना चार्ज लिया आपका ट्रैवल एजेंट ने यहाँ जे एन के टूर पर कपल? 1,03,000 पर कपल। 1,03,000 एंड फॉर हाउ मेनी डेज? कितने दिन के लिए सर? 8 nights 9 days। 8 nights 9 days सर। उसमें क्या क्या चल रहा है? यस गाइस वी आर ऑन पापा सॉरी एंड अभी गाइस हम लोग लाल चौक पे हैं और लाल चौक पे काफी भीड़ लगा हुआ है अभी इस टाइम पे और काफी पब्लिक आ रखी है यहाँ पे लाल चौक पे। तो उन्हीं में से एक ट्रैवलर आ रखे हैं दिल्ली से, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है जे एन के में। तो गाइस लेट मी स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन। तो ब्रदर आपका क्या नाम? ब्रदर मेरा नाम करण है। करण हुआ राइट। तो ब्रदर आप जे एन के में कब आए? मुझे हो गया 3 से 4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया राइट। तो मतलब 3 से 4 दिन हुआ, मतलब कि कब निकले थे दिल्ली से आप? मैं निकला था दिल्ली से 16 तारीख को। 16 तारीख को निकले थे? अच्छा। अपने कुछ काम के पर्पज से यहाँ पे आया था। अच्छा। तो साथ में मैं जगह को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे, साथ में काम भी हो रहा है और घूमना भी हो रहा है ना। बहुत बढ़िया भैया, क्योंकि अगर आप काम सिर्फ काम करोगे तो थोड़ा सा इस ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है राइट। हाँ तो आपने निकाला, बहुत बढ़िया, क्योंकि इंडिया में ट्रैवलिंग कल्चर है नहीं अभी भी, और जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग कल्चर बढ़ रहा है, है ना? अब थोड़ा बढ़ रहा है ट्रैवलिंग कल्चर। यस ब्रदर, तो आपका मतलब आप अभी कहाँ पे बैठे हुए बताओ? मैं अभी लाल चौक पे बैठा हूँ। कब आए थे आप? मैं अभी 1 घंटा पहले तकरीबन आया हूँ यहाँ पे। 1 घंटा पहले आए थे? अच्छा,
तो भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा लाल चौक का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, मतलब देख रहे हैं एकदम, तो मतलब मजा आ रहा है बैठ, मजा आ रहा है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे दिल्ली में भी स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट, मतलब जो भी ऐसा प्लेसेस है ना दिल्ली में, बहुत सारे प्लेसेस है, तो बट जो फीलिंग यहाँ पे बैठने में आ रहा है ना वो दिल्ली में फीलिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बट एक बार आ जाता है यहाँ पे इस मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में, मन नहीं करता है दिल्ली जैसी जगह पे वापस जाने का। तो यहाँ पे फोर्सेस ज्यादा है क्या आपके हिसाब से? फोर्सेस तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ही, और इस टाइम पे तो वैसे भी यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, अभी 23 को यहाँ पे इलेक्शन है, 25 को, सॉरी अभी एक फेज हो चुका है, दूसरा फेज जो है तो हमारे साथ फ्रेंडली है ना? अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो आगे से कोई एक्शन लेंगे, वैसे ही हमें परेशान करने के लिए नहीं है, है ना? कि हमारी ही सेफ्टी के लिए यहाँ पे। तो वही है ब्रदर, तो आपका एक्सपीरियंस सही रहा है यहाँ का, राइट? तो आप कैसे आए थे, ट्रेन से आए थे, किस कैसे आए थे आप लोग? मैंने आपको जैसे पहले बताया मैं आया था काम के पर्पज से, मैं पहले अमृतसर आया था, अमृतसर से फिर मैं जम्मू आया, फिर मैं जम्मू से यहाँ पर आया। अच्छा भैया, आप मतलब जम्मू से यहाँ श्रीनगर आने के लिए क्या यूज किया था आपने? मैं आया हूँ काम के लिए भी आए थे साथ में, हमें काम के साथ साथ घूमना, जम्मू में भी काम जाना होता है, जगह भी अपना एक्सप्लोर करेंगे। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, आप हमसे बात किए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पापा सॉरी। तो यस गाइस, हम लोग का एक और ट्रैवलर मिला है यहाँ पे लाल चौक पे, उनसे हम लोग बात करेंगे इनका एक्सपीरियंसेस का कैसा रहा है जे एन के में। तो ब्रदर, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद, यस। तो ब्रदर कौन सा है आप? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से आया जी। अच्छा, तो ब्रदर आप कब आए, मतलब जे एन के कब लैंड किए? जे एन के हम कल आए थे ना। हाँ, श्रीनगर में कल आए थे, राइट? तो आप रहने का बताइए कि कहाँ पे आप स्टे किए हैं और कितना मतलब करा है? ममता चौक करके है, वहाँ पे एक होटल का नाम है कोई पैलेस है, जन्नत पैलेस करके है। ओके ओके, जन्नत पैलेस पे आप लोग रह रहे हैं, तो क्या भैया क्या वन नाइट का क्या चार्जेस है? मतलब 1000 प्लस है यहाँ पे, मतलब आप लोग को कुछ इनकन्वीनियंस हुआ अभी तक का? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, घूमने में काफी अच्छा लगा। यहाँ के लोग कैसे हैं? मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, एक तो दिलदार लोग जैसे होते हैं ना उस तरह से, एक तो नाम सुनते हैं दिल्ली से आप आ रहे हो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, दिल्ली से कोई आया तो फिर साथ में घूमने में थोड़ा बोलने चालने में सब तरीके से होता है, और खाने पीने में भी कोई कमी नहीं है, सेवा करने के लिए लोग होते हैं ना उस तरीके से हैं। यहाँ पे कश्मीरी लोग के बारे में, कश्मीरी लोग के बारे में बात करते हैं, मतलब दे ट्रीट ट्रैवलर वेरी इन वेरी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। हमें तो जितने भी लोगों से हमने मिला ना, या फिर दुकान वाला हो गया, या फिर कोई मेरा कस्टमर भी हो गया, वो हो गया, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड होटल वाला या फिर कैब वाला ऑटो वाला, हर किसी ने बहुत अच्छा से ट्रीट करा, ट्रीट करा और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से ये बताना चाहोगे जो कश्मीर से बाहर लोग इंडिया के हैं, बिल्कुल वो लोग कुछ कहोगे कि आप एक बार कश्मीर जरूर विजिट करें? बिल्कुल बिल्कुल, अपने लाइफ में एक बार तो जरूर आना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए एक बार। थोड़ा सा तो अलग है बाकी स्टेट से कश्मीर, है ना? कश्मीर बहुत सुकून तो है भाई, है ना? सुकून है भाई, एक तो पॉल्यूशन का थोड़ा सा काफी। अच्छा, इधर पॉल्यूशन रिलेशन कुछ नहीं है दिल्ली की वजह से, हम हमेशा दिल्ली में रहते हैं ना, तो दिल्ली में जैसे घुटन जैसे होती है हवा की वजह से, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है ना, और यहाँ बिल्कुल खुला हवा है। तो ब्रदर ये मतलब कि पॉल्यूशन जीरो है यहाँ पे? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और ट्रैफिक कैसा है यहाँ पे? ट्रैफिक तो है थोड़ा, क्योंकि अब सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा बीच बीच में चेकिंग भी है, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी है ना, और ट्रैफिक इसकी वजह से थोड़ा सा है। क्या दिल्ली वाले के लिए ट्रैफिक तो जीरो है बिल्कुल। अच्छा, मतलब भाई दिल्ली में तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली वाले लोग पता नहीं क्यों वहाँ पे, मतलब इतनी छोटी सी जगह में, उस एरिया में 4-3 करोड़ लोग रह रहे हैं दिल्ली में, पता नहीं क्यों भाई वो लोग को, मेरे को लगता है कि उन लोग को एक्सपीरियंस करना चाहिए हिमाचल, जे एन के, उत्तराखंड, दीज आर दी वेरी गुड प्लेसेस मैन, यू कैन स्टे हियर, मतलब मजा आ जाएगा गाइस आप लोग को यहाँ पे आने में, मेरा भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा। तो ब्रदर आप
हमारे चैनल पे आए पापा सॉरी द चैनल नेम, तो उसके लिए भैया मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। शुक्रिया। यस गाइज, वी आर ऑन पापा सॉरी एंड अभी हम लोग लाल चौक पे हैं और एक ट्रैवलर मिले हैं हमें और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे यहाँ पे कि उनका क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहा है। तो आप लोग आप फैमिली के साथ आए हो? जी हम फैमिली साथ आए। अच्छा, तो आपकी फैमिली यही है ना? हाँ यही है हमारी फैमिली। तो गाइज इनकी फैमिली है, ठीक है, एंड वी आर एट लाल चौक, राइट। तो ब्रदर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप क्या, आपका नाम क्या? अभिषेक कुमार नाम हुआ मेरा। अभिषेक कुमार नाम हुआ। तो ब्रदर आप कहाँ से आए हो? बिहार से, पटना। पटना से आए हो? यार मेरे को, मैं 15 दिन से यहाँ जे एन के में हूँ और पहली बार कोई मेरे को ट्रैवलर एज ए ट्रैवलर बिहार से कोई बंदा मिला, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ। मेरे को अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। तो ब्रदर आप बिल्कुल रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए यहाँ का, कैसे क्या क्या आपका एक्सपीरियंसेस रहा है। तो ब्रदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जे एन के में कब आए? जे एन के श्रीनगर में कब आए आप लोग? श्रीनगर में हम लोग आए हैं 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले आए हो? तो आप लोग 2-3 दिन से आ रखे हो यहाँ पे, तो क्या कौन सा लोकेशन? सबसे पहले हमने गए सोनमर्ग गए। अच्छा, सोनमर्ग गए। हाँ, सोनमर्ग में हम लोग वहाँ डल लेके सोनमर्ग गए ऊपर बर्फ खोजने के लिए। बर्फ तो मिली नहीं हम लोग को। हाँ। इस मंथ में तो बर्फ आती नहीं है यहाँ। यस यू आर राइट, ठीक है। और हम लोग पूरा एंजॉय किए उधर। ठंडी ठंडी वादियाँ थी, बहुत ठंड भी लगी हम लोग को। इस समय तो हम लोग यहाँ ठंड रहती नहीं है, वहाँ तो खूब ठंड थी। या। और जैकेट वैकेट लिए थे नहीं थे, तो आप लोग जैकेट लेना पड़ गया? आप लोग लेना पड़ गया था, भाड़े पे हमने शूज लिए, जैकेट लिए थे। देख लो गाइस, आप ये हमारी फैमिली है। थोड़ा सा ब्लॉग देख, ब्लॉग अगर आप लोग ट्रैवल ब्लॉग देख के आते तो आप लोग को ये दिक्कत? हाँ हाँ, ट्रैवल ब्लॉग देखते हैं हम लोग, देखते हैं ना। तो ओके, तो भैया जैसे आप बता रहे हो कि सोनमर्ग गए, फिर सोनमर्ग के बाद कहाँ गए आप लोग? सोनमर्ग ये कहाँ गए? गुलमर्ग गए हम लोग। अच्छा। हाँ, और गुलमर्ग में उसमें गए थे, गंडोला में? हाँ गंडोला गए थे, लेकिन ऊपर नहीं गए थे। गंडोला में ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं ना, बर्फ नहीं थी ना। फेज वन में भी नहीं गए थे, कहीं बर्फ नहीं है ना। अच्छा, इसलिए आप लोग गंडोला पे गए और लौट आए वहाँ से? घोड़े पे गए हम लोग सबको बैठ के और वहाँ से रिटर्न आ गए। और फिर वहाँ के वादियाँ देखे हैं और क्या, जो जो पैलेस है, महाराजा पैलेस है। महाराजा पैलेस गए थे। दो व्यू पॉइंट थी, वो भी देखे ऊपर ऊपर। व्यू पॉइंट का नाम तो याद नहीं है मेरे को। यू पॉइंट नाम है। अच्छा, यू पॉइंट। गुलमर्ग के बाद कहाँ गए? गुलमर्ग के बाद आप शाम को हम लोग गुलमर्ग से ही आए हैं। अच्छा, यहाँ पे कल जाएंगे हम लोग पहलगाम। पहलगाम जा रहे हो कल? यार बहुत बढ़िया जगह है वो, बहुत बढ़िया है, आप एक्सपीरियंस कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या मतलब कि ट्रैवल एजेंट के थ्रू आए कि? हम लोग तो शुरू में दिल्ली आए, दिल्ली 2 दिन घूमे, फिर जम्मू कटरा गए, माता का दर्शन किए, फिर 3 दिन बाद वहाँ जम्मू में ही ट्रैवल एजेंट से बात किए, वही हम लोग का फिक्स किया 5 नाइट्स का, 4 डेज का जम्मू कश्मीर का ट्रिप। अच्छा, तो आपका एक मेंबर का कितना लिया इस टूर पैकेज में? 5 नाइट का 4 डेज का टूर का पैकेज जो टोटली आया मेरे को 50,000 रुपीज़। 50,000 एक मेंबर का? ना ऑल पूरा। हाँ, गाड़ी उसके बाद साथ में हम लोग गाड़ी भी लिए हैं, बढ़िया है, 7 सीटर वाली क्रिस्टा, ठीक है। होटल सुबह और शाम का दोनों साथ में अटैच, खाना जो चाहेंगे वो खाएंगे, वेज नॉन वेज जो मेरी मर्जी है वो ऑर्डर करेंगे। अच्छा अच्छा, सब अटैच है उसी में। 2 दिन हम लोग रहे हैं डल लेक झील पर, बोट हाउस में रहे। उसका बोट हाउस का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। आप सजेस्ट करें कोई जो आउटसाइडर है उनको डल लेक का एक्सपीरियंस? एक बार तो आना ही आना है, एक दिन के लिए स्टे, नाइट डे रहना बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? बहुत बढ़िया, जन्नत। वाओ वाओ, कहते हैं ना कश्मीर जन्नत, तो है जन्नत, जन्नत है। मतलब आपका एक्सपीरियंस यही बोल रहा है। इसलिए तो पाकिस्तान भी कहता है कश्मीर हमारा, इंडिया भी कहता है कश्मीर है, लेकिन रियल में तो इंडिया हमारा, कश्मीर तो हमारा ही है। हमारा, हम कैसे छोड़ देंगे, कैसे छोड़ दें? बात वही है, सही बात है। तो ब्रदर आप पापा सॉरी पे आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, एंजॉय द जर्नी ब्रदर, एंड आप पूरा फैमिली के साथ है तो बड़ा मस्त एंजॉय कीजिए। Beauty of Lal Chowk in night, at this is how it is. It's such a is it beautiful guys? Just stay in the comment section. Is it beautiful? Chowk. This is other side of Lal Chowk, guys. Nah, it is what I think.
It is beauty. तो यस गाइज, वी आर ऑन पापा सॉरी एंड हम लोग रात को 11 बजे घूमते हुए लाल चौक पे, और कोई फियर नहीं है गाइज। हमने सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा था कि हम लोग कब तक रह सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला कि रात भर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर हेयर टू सेव यू ऑन, डोंट वरी। तो उधर डिस्पेंसरी यूज होती है, हैं? हाँ। सो गाइस, वी आर ऑन पापा सॉरी एंड वी आर हियर इन मम्मी प्लेस इन लाल चौक एंड वी विल हैव डिनर टुनाइट। सो गाइस, वी विल हैव इट डिनर हियर इन मम्मी प्लेस लाल चौक। And this is the ambience of this restaurant. So here is a present review of Lal Chowk. Bolunga. Guys, Kashmir mein bhi aman aur shanti ka pura ye jo Lal Chowk hai, शांति का पैगाम देते हुए यहाँ से आप रात को 12 बजे घूम सकते हो यहाँ पे, और रात भर भी घूम सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देख लो ब्यूटी, पूरा का पूरा शांत माहौल है यहाँ पे, सारी दुकानें बंद हो चुकी है और वी आर मूविंग हियर। ये देखो साले, जन्नत दिखा दिया मैंने तुम लोग को। I feel Kashmir is safe, right? In night में इतना जब सेफ लग रहा है तो इट इज सेफ, राइट? पूरा का देखो, पूरा का पूरा लोग इंजॉय करते हुए कश्मीर को, बच्चे कोई फियर नहीं, एंड इट इज वाओ, वेरी गुड।